नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है गांव ढाणी की खबरों का, रुख करते हैं 150 गांव 150 खबर का। रामगढ़ के पास भड़देवरा पूरी तरह से बदहाल है और कभी भी ये मंदिर जमींदोज हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। डूंगरपुर के गड़ा बाटेश्वर गांव के ग्रामीणों ने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा से मुलाकात कर सीसी रोड, शिक्षा और पानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। जरियाना पंचायत के ग्रामीणों ने बिना काम के मसरूल जारी कर दिया है और राशि उठाने का आरोप लगाते हुए विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। संयुक्त निदेशक पंचायत राज और प्रभारी अधिकारी टोंक ने दो ग्राम पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी निर्धारित मिले, जिनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बनेठा में एक साल से चार पद रिक्त हैं, जिससे पशुपालकों को खासी परेशानी हो रही है। नौहर में एडीएम और सीबीओ के बीच विवाद के चलते संयुक्त शिक्षक संघर्ष समिति ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। नापा सर्वे, मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जिला अस्पताल में सर्दी जुकाम के मरीज ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं। बयाना के गांव नावली से 10 दिन पहले लापता हुए दो युवकों का कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा है, जिससे गुस्साए लोगों ने डीएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। भुसावर के अलीपुर में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जनसुनवाई कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मनमोहन मीणा ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पानी की टूटी पाइपलाइन, बीच रास्ते में लगा ट्रांसफार्मर समेत कई समस्याओं के निदान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जैतारण के हुनावास गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं जीएलआर सूखे हुए हैं, लेकिन विभाग शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। बूढ़ा मालानी में आरओ प्लांट बदहाल है, तो वहीं प्रशासन की अनदेखी के चलते मीठा पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। मारवाड़ जंक्शन के इसाली गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र लंबे समय से बंद पड़ा है, जब आवारा पशुओं की शरण स्थली बन चुका है, तो वहीं मरीजों को इलाज के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अर्नावदा चाजी के पास परवन नदी पर पुल निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है, बरसात से पहले काम पूरा होने की उम्मीद। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू विधानसभा के रेवाली झाग समेत कई गांव का दौरा कर सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। अनूपगढ़ के साथ एसजेएम गांव में ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की जा रही है। चार एमडी आबादी से दो एमडी कॉलोनी तक जर्जर रोड के चलते बारिश में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बक्सास से बागोली जाने वाली रोड पर लगी डीपी चोरी होने के चलते रात में सड़क पर अंधेरा रहता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। बपावर कस्बे से बपावर खुर्द जाने वाले मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा होने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मलाना डूंगर उपखंड के पंजाब नेशनल बैंक के पास जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने से सैकड़ों लीटर पानी सड़क पर बेकार बह गया। खंडार के सोनकच गांव में 4 साल के खराब पड़ी पानी की ट्यूबवेल्स के चलते पानी की टंकी में पानी नहीं बह रहा है, वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उधर दौसा के दिलाड़ी के मानोथा गांव में लाखों खर्च कर पानी की टंकी बनी, लेकिन पानी को टंकी तक पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं होने से इसका कोई फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। सिकराय क्षेत्र में विद्युत कटौती के चलते किसानों को समय पर बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है और गेहूं की फसल की सिंचाई का काम नहीं हो रहा है। सागौन में सिंचाई विभाग कॉलोनी में 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मिनी सचिवालय 1 साल बाद भी नहीं बन पाया। मालबावड़ी के धार्मिक स्थल के पास गंगा सागर तालाब में मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर हो रहा है, जिस पर प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है। बिकोड़ाई में आरआई सर्कल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पद रिक्त होने के चलते जमीन संबंधी कार्य के लिए भणियाना जाना पड़ता है। 5 साल पहले मर्ज हो चुके राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवनों की देखरेख नहीं होने से यह असामाजिक तत्वों की पनागा बना हुआ है। रामदेवरा में रेलवे स्टेशन पर आवारा पशुओं का जमघट रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाटू श्याम जी में श्याम मंदिर के पास श्री श्याम शुद्ध मिष्ठान भंडार और निवास को तोड़ने की कार्रवाई की गई और अब इस खाली भूखंड का इस्तेमाल मेले के दौरान किया जा सकेगा। राला में लांबिया कला भेरुनाथ मंदिर में फैक्ट्री मजदूरों की मीटिंग हुई, जिसमें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने पर आपत्ति जताई गई। उधर मनोहर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया ने दर्जनों खाली पड़े सरकारी अधिकारियों के पदों को भरने की मांग सरकार से की है।
झालावाड़ के निजी स्कूल संचालकों ने डीओ माध्यमिक और प्रारंभिक रंगलाल मीणा और पुरुषोत्तम माहेश्वरी को ज्ञापन सौंपकर आरटीई की पुनर्भरण राशि जल्द देने की मांग की। उधर तिमरी में ब्रॉडगेज लाइन की सुविधा होने के बावजूद प्लेटफॉर्म मीटरगेज लाइन का ही बना है, जिससे यात्रियों को रेल में चढ़ने और उतरने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर बीजासनी गांव में पेयजल संकट गहराया है, शिकायत के बाद ही विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बावड़ी में कृषि मंडी देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही है, 20 साल पहले बनी मंडी अभी तक शुरू नहीं होने से खंडर में तब्दील होती जा रही है। ओसियां बस स्टैंड के पास भामाशाह की मदद से बनवाया गया सार्वजनिक शौचालय बीमारियों का घर बना है, जहां पर पंचायत साफ सफाई का काम नहीं कराती। मधानिया से जुड़ने वाली रोड पर एक बड़ा गड्ढा हो चुका है, जिससे हमेशा हादसे का डर बना रहता है। तानागाजी में भूजल स्तर के गिरने के चलते लोगों को निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग के पास कोई समाधान नहीं है। तानागाजी में सरिस्का के पास बांदीपुल हनुमान जी मंदिर में पानी की किल्लत है, 6 महीने से हैंडपंप खराब होने के बाद ही विभाग मामले की अनदेखी कर रहा है। अलवर के पाडली गांव में ग्रामीण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान बन रहे अंडरपास का विरोध करते हुए पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं। बोरखेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में क्लासरूम कम होने के चलते बच्चों को बरामदे में पढ़ाया जा रहा है। कोठारा गांव में पैंथर की दहशत लगातार जारी है, पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगा रखा है, लेकिन पैंथर पकड़ में नहीं आया। सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल के शौचालय में एक नवजात बालिका के मिलने से सनसनी मच गई, बच्ची को गार्ड ने अस्पताल पहुंचाया, पुलिस मामले की जांच कर रही। उधर नागौर के पिलवा गांव की एक महिला ने गाड़ी से टक्कर मारकर उसके पति की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। उधर अलौदा के जगन बीएड कॉलेज के संचालक श्रवण कुमार को जोधपुर एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उड़ियर में जमकर अवैध बजरी का कारोबार चल रहा है और मध्य प्रदेश के रास्ते अवैध बजरी शाहबाद में लाई जा रही है। टोडा राय सिंह के शाहपुरा बालाजी मंदिर का दान पात्र तोड़कर 40,000 रुपए की नकदी का मामला सामने आया, पुलिस चोरों की तलाश में। जाजपुर के नगदी नदी की पुरिया पर वैन और बोलेरो की टक्कर हो गई, हादसे में वैन ड्राइवर घायल। जाजपुर में अवैध बजरी परिवहन करते 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पिछले 4 महीने से फरार चल रहे बॉक्सो एक्ट के आरोपी को पिपाड़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। भिलाड़ा में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ और लज्जा भंग के मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज। पिथौरागढ़ के डगला का खेड़ा के पास चोरों ने कार सर्विस सेंटर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के केकड़ी में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने जेल भेज दिया। केकड़ी में कोठा रोड पर एटीएम लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इंदौर सिटी में महवा मार्ग पर सूखे कुएं में युवक का शव मिला, शुरुआती जांच में नशे में युवक के कुएं में गिरने की आशंका जताई जा रही है। रानीवाड़ा पुलिस ने बड़गांव गांव में 4 जुआरियों को पकड़ा और नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए। मंडौन के काचरोली गांव के पास चलती हुई कार का टायर फट जाने से कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, इस दौरान कार में सवार महिला और बच्चों के साथ एक बाइक सवार भी घायल। दौसा में जिला स्पेशल पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए। उदयपुर के गोगुंदा के कटीकवाड़ा गांव में 20 बकरी चोरी हो गई, पीड़ित पशुपालक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बड़कोचरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा है, तो वहीं विभाग की कार्रवाई के डर से इलाके में दूसरे कई फर्जी क्लिनिक बंद हो गए। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने लाखों की नकदी और आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। तेजारा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 लोगों के चालान काटे जो बिना कागजात वाहन चला रहे थे। फेड़ गांव के पास नेशनल हाईवे निवासी हाईवे पर कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार बुरी तरीके से जख्मी। नागौर के काठोती में अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली पोल गिरा, वक्त रहते बिजली सप्लाई को काटा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 कुचेरा और फिरोजपुरा के बीच अज्ञात वाहन ने टैक्सी को टक्कर मारी, जिससे एक शख्स घायल। निमका थाना में कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, हादसे में साइकिल सवार ने इलाज के लिए ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। संगरिया के रतनपुरा में रिको एरिया में पराली में आग लग गई, जिसमें 25 लाख के नुकसान की बात कही जा रही है।
कठुमर में वैन और बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं एक युवक घायल। भानपुर कला में गणेश जी की चौकटी में आवारा सांडों की लड़ाई के चलते दो लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अम्बापुरा में जनजाति छात्रावास भवन खस्ता हाल है, कभी भी यहां हादसा हो सकता है। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने एक युवक के पास से 154 जेलेटिन की छड़ें और 145 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर जब्त किए हैं और उसे गिरफ्तार किया गया। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर काकड़ी के पास कार और बाइक में भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल। रानीवाड़ा के दूधवट गांव में 11 केवी का हाई टेंशन तार पशु बाड़े पर गिरा और करंट लगने से दो मवेशियों की जान चली गई। दौसा के सवासा गांव में अवैध ब्लास्टिंग के चलते निजी स्कूल में पढ़ रहे एक मासूम को पत्थर लगा, बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तो वही मामले को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा। सिरोही जिले के अबू रोड में चार वाहनों के बीच भिड़ंत हुई है, हादसे में चार लोग घायल। उधर छिपाबड़ौद में भाजपा मंडल की बैठक में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों को लेकर चर्चा। मासिया पंचायत में सरपंच सूरज देवी डोडियार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनरेगा श्रमिकों के नियोजन समेत कई फैसले लिए गए। श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत टेऊ में नवनिर्वाचित सरपंच सुनील दुगरिया ने पदभार ग्रहण कर विकास को प्राथमिकता बताया। नौहर के कई गांव में ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों का अभिनंदन समारोह विधायक अमित चाचान की मौजूदगी में हुआ। पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी पिपलिया खुर्द गांव पहुंचे और नवनिर्वाचित सरपंच किशोर चौधरी की धन्यवाद सभा में हिस्सा लिया। लक्ष्मणगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नातारामगढ़ के खाचरियावास कस्बे में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रातड़िया गांव में भगवान राघव महाराज की 51वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई गई और भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी खांट ने बेंड स्कूल का निरीक्षण किया और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी को देखा। डूंगरपुर जिले के लांबा भाटड़ा स्कूल में 10वीं बोर्ड के स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी गई। टोड़ा राय सिंह पुलिस थाने में थानाधिकारी नरेश शर्मा ने अपराधियों पर रोकथाम को लेकर शांति समिति की बैठक की। AKKSS फाउंडेशन की ओर से टोंक में चित्रकला प्रतियोगिता रंगोत्सव में 107 स्कूलों के 140 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। गजनेर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को ट्रैफिक नियम बताए और फूल देकर नियमों का पालन करने की अपील की। उजास एग्रीकल्चर झुझू में एक दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कई किसानों ने हिस्सा लिया। बज्जू में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान बज्जू पुलिस थाने में उर्मूल ट्रस्ट, उर्मूल सीमांत और बज्जू चाइल्ड लाइन पुलिस थाना और बज्जू प्रशासन की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम हुआ। पिलिभंगा में सिविल न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव जांगण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। टीबी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक प्रभारी जयपाल स्वामी ने श्री सिद्ध विनायक शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। भरतपुर डिंग मार्ग पर माढ़ेरा गांव में भूमिया बाबा मंदिर पर हवन पूजा का आयोजन किया गया। भरतपुर के डी के औ गांव में राजकीय स्कूल में क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट्स में कई मॉडल पेश किए। बाड़मेर के रहने वाले और सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट श्याम कपूर ने अपनी शादी की 31 वर्षगांठ अनूठे तरीके से मनाई और मोतीनगर के बच्चों को भोजन कराया। केवसर के सैननी में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने, घर पर पत्थरबाजी करने और बाइक जलाने का मामला बावंडा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। उधर रोल गांव में संत सुखराम महाराज की बरसी पर कई धार्मिक आयोजन के साथ ही भंडारे और विशाल जागरण का आयोजन होगा। श्रेयादे प्रजापति युवा संगठन की तरफ से 6 दिवसीय महिला संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालना के चंदर भोलेश्वर मंदिर के पास गरीब और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन मुंबई राजस्थान और अनुकंपा दान समिति के सानिध्य में वितरण किया गया। गोलापुरा में 31 सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान टैक्सी और टेम्पो ड्राइवर्स को जागरूक किया गया। जाजपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर से आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। बापकस्बे में गोवंश हितार्थ संस्था की तरफ से एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या में भजन गायक ओम मुंडेल कई भजन गाए। बडला बासनी गांव में श्रीमद भागवत कथा कार्यक्रम में संत राम प्रियदास ने कथा का वाचन किया। वीर शिरोमणि राव देवराज की 658वीं जयंती सेत्रावा के वीरमदेवगढ़ में बाबकान तालाब पर धूमधाम से मनाई गई।
झालावाड़ के गंगधार में अफीम की फसल लहलहाने लगी है, तो वहीं किसान अब खेतों की रखवाली को लेकर खासे सतर्क दिख रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कोटपुतली के सांगठेड़ा और शेखपुरा में प्रकाश ग्राम महिला आजीविका संगठन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव मंजू रावत ने इस उद्घाटन को किया। राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय के वाणिज्य संकाय में एमकॉम फाइनल के छात्रों को विदाई दी गई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जयपुर जिला कार्यकारिणी का गठन जयपुर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में हुआ। रिनवाल के मलिकपुरा के लांबा कुआं की ढाणी में पहली बार एक पिता ने अपनी बेटी की बिंदौरी निकाली और बेटे बेटी के समान होने का संदेश दिया। मानपुर कला में हनुमान जी की बगीची में राजस्थान पेंशनर समाज की तरफ से सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में प्रधानमंत्री संरक्षित मातृत्व दिवस पर गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई और टीके लगाए गए। रामगढ़ में मौसम में बदलाव के चलते ओपीडी में करीब 500 से 600 मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसर में कलेक्टर चेतन देवड़ा और एसपी अनिल कयाल की मौजूदगी में हुआ। कोटड़ा गांव में 650 मरीजों ने निशुल्क चिकित्सा शिविर में अपने रोगों का इलाज कराया। भाजपा मंडल बोराड़ा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि संपन्न दिवस के रूप में मनाई। बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन नगर पालिका के सभा कक्ष में किया गया। बैठक में लगभग 15 एजेंटों पर विचार किया गया। छावनी गांव के राजकीय कन्या महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बाड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अनूपगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका ने अपने विद्यालय में एलोवेरा के पौधे लगाए जो पूरे गाँव में चर्चा का विषय बने हुए। सादुल शहर के स्थानीय मूर्ति देवी मेमोरियल बीएड कॉलेज के बाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जालौर के अखिल भारतीय लोहार समाज ने विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा प्राकट्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झुंझुनू के करियर महाविद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहनों से रैली निकाली। दोदिया खेड़ी माताजी मंदिर परिसर में चल रहे वार्षिक मेले में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इंदौर सिटी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तारानगर में एक निजी स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन पर रैली निकाली। सरदार शहर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाया गया जिसमें 35 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। माउंट आबू में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
शिवगढ़ लाज गांव में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया और इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश में हो रहे युवा कांग्रेस के चुनाव में खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए रवि भाभा को चुना गया। मोहाना थाना इलाके में 10 साल के बच्चे की आत्महत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 10 साल के संजय ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। दुदू थाना क्षेत्र में बहला होटल में दंपत्ति के शव मिलने से सनसनी फैली। बताया जा रहा है कि नवविवाहित दंपत्ति की शादी 1 साल पहले ही हुई थी और फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। उधर नतना में 57 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने एडम बेस कैंप में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। उधर सादुल शहर कस्बे में JBTT महाविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रानीवाड़ा कस्बे में 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन पुलिस ASI जयकिशन और यातायात प्रभारी गणपत लाल बिश्नोई में अध्यक्षता में हुआ। भीलवाड़ा कोटा राजमार्ग पर रोडवेज बस और जीप की भिड़ंत में जीप सवार 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में करीब 12 लोग घायल। मिछीवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया है तो वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के बालाकाबास में आपसी वाद को लेकर झगड़ा जिसमें 1 महिला समेत 2 लोग घायल। अजमेर में बेखौफ चोरों ने बिना पुलिस की परवाह किए खुलेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पिकअप में ट्रक के टायर भरकर फरार हो गए। वारदात CCTV में कैद। अलवर में एक भीषण सड़क हादसा जिसमें 1 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बिंडर कस्बे में पावर हाउस चौराहे के पास एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस में सवार करीब 1.5 दर्जन यात्री घायल। किशनगढ़ में नेशनल हाईवे 8 पर एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस में सवार 14 से ज्यादा यात्री घायल। चौमू थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 पर सब्जियों से भरा मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हादसे में चालक घायल। सादुलपुर कस्बे में कोर्ट में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर अजय जेतपुरा की हत्या करने के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। खेरवाड़ा थाना अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए थाना अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। सांसर गांव में खेत में बने कुंड में देवर भाभी की लाश मिलने का मामला सामने आया। मृतक महिला 3 बच्चों की मां भी है और युवक भी विवाहित था। बीचवाल थाना क्षेत्र में एक युवक ने 5 साल की बच्ची को अकेली देखकर उठा ले गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और बच्ची के परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।